हमारा घर हो या किचन, कई सारे ऐसे झंझट वाले काम रहते हैं ना कि हम सोचते हैं कि कहीं इसका कोई आसान सा उपाय मिल जाए। तो हम ऐसे ही आसान से टिप्स लेके आए आपके लिए जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर एक है, जब भी हम सब्जी बनाने के लिए लहसुन को कूटते हैं तो इस तरह से लहसुन उड़ के बाहर निकल जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब भी लहसुन को कूटे तो उसमें थोड़ा सा नमक मिला दे, फिर लहसुन को कूटे। इससे क्या होगा कि लहसुन उड़ के बाहर नहीं निकलेगा। तो आई होप ये टिप्स आपको पसंद आएगी। और उसी में एक आपको मिक्स टिप करके दिखाती हूँ कि इसमें थोड़ा सा अगर आप मिर्च पाउडर डाल दोगे और फिर से कूटोगे तो ये हमारी लहसुन की चटनी भी तैयार हो गई। ये टिप पे एक लाइक तो बनती है। टिप दो की बात करें तो जब भी हम घर में चावल लाते हैं तो ऐसे ही पड़ा रहता है तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए उसमें खाने वाला कोई भी तेल एक चम्मच मिला लें। अगर ज़्यादा चावल है तो उसमें ज़्यादा तेल मिलाएं और इस तरह से मिक्स कर ले। इस तरह से क्या होगा ना कि इसमें कभी भी कीड़े नहीं लगेंगे और लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे। फिर आप जिस कंटेनर में उसको रखते हैं उसमें आप पैक करके रख दे, कभी भी इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। आई होप ये टिप भी आपको पसंद आई हो। अब बात करते हैं टिप नंबर तीन की। बार बार चाय बनाने की वजह से चाय की छलनी इस तरह से मेल जम जाता है। आप देख सकते हो ना, उसमें इतना जंग भी लग जाता है और एकदम गंदी हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, गैस ऑन करके उस छलनी को गर्म करना है। आप देख सकते हो धुआं निकले उतना गर्म करना है। इस तरह उसे एक मिनट तक गर्म करें, सारा जंग जल जाए तब तक उसको गर्म करते रहे। उसके बाद गैस ऑफ कर दे। गैस ऑफ करने के बाद एक चाकू या एक छुरी से इस तरह उस सारे मेल को निकाल ले। आप देख सकते हो एकदम आसानी से उसमें जो भी मेल लग गया है ना और जंग लग गया एकदम आसानी से निकल जा रहा है और हमारी जो छलनी है वो पूरी एकदम नए जैसी बन जाएगी। देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में, इस तरह से सारा जंग निकाल ले और सारा मेल भी निकल जाएगा। इस तरह से जंग को निकालने के बाद जिस तरह से आप धोते हैं जो भी साबुन से उसे धो ले और अच्छी तरह से पानी से धो ले, आप रिजल्ट आपके सामने है। आप देख सकते हो चाय के स्ट्रेनर में कितना फ़र्क आ गया है। आई होप आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। टिप नंबर फोर, तो हमारे घर में कई बार ऐसे नींबू होते हैं जो बिगड़ गए होते हैं। अभी तो मैंने फ्रेश नींबू लिया है, बिगड़ा हुआ नहीं था। तो बिगड़ जाते हैं तो हम फेंक देते हैं, तो उसको फेंके ना, इस तरह से उसको उसके स्लाइस करें या टुकड़े करें, इस तरह टुकड़े करके रख दे। अभी मैंने यहाँ टुकड़े कर लिए हैं सारे नींबू के। और ऐसे कंटेनर जो भी हम बाहर से खाना कभी मंगाते हैं ना तो उसमें ऐसा कंटेनर आता है ना, तो उसमें उसको भी ना फेंके और उसमें ये सारे नींबू के टुकड़े मिला दे और उसमें थोड़ा सा नमक मिला दे और फिर उसको स्टोर करके रख दे। ये आपको ये काम आएगा कि जब भी कोई तांबे के बर्तन हो या जो भी मेल वाले बर्तन हो इससे फटाफट से साफ़ हो जाएगा। आप देखिए, आपको है ना, मैं ग्रेटर साफ करके दिखा रही हूँ, ग्रेटर एकदम जम गया है जो कि निकलता नहीं है मेल किसी से भी, साबुन से तो बिल्कुल नहीं। तो उस पर इस तरह से एक मिनट तक नींबू घिसते रहे। आप देखिए नींबू के बाद इसका रिजल्ट कैसा आएगा वो भी आपके सामने अभी मैं दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह से नींबू घिसने पर पूरा बर्तन एकदम चमक जाएगा। ये सिर्फ यही बर्तन नहीं, कोई भी बर्तन में इस तरह से जंग लग गया हो या तेल वाला हो या कुछ भी तो नींबू से तुरंत साफ हो जाता है। देखिए रिजल्ट आपके सामने है। ये टिप के लिए एक लाइक तो बनती है। देखिए रिजल्ट आपके सामने है। अब बात करते हैं टिप्स नंबर फाइव की। कभी किसी कारण से फ्रिज बंद रहने की वजह से या उसमें ज़्यादा सामान इकट्ठा करने की वजह से उसमें से बैड स्मेल आने लगती है, तो उसके लिए नींबू के टुकड़े जो फ्रीजर के नीचे की ट्रे में इस तरह रख दे, उसमें कभी भी बदबू नहीं आएगी। या तो छोटे छोटे जो कॉकरोच हो जाते हैं फ्रिज में वो भी नहीं होंगे। और फ्रिज में कहीं भी इस तरह नींबू रख सकते हैं जिससे आपके फ्रिज में कभी भी बैड स्मेल नहीं आएगी, कॉकरोच नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इन सभी में से कौन सी टिप्स ज्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।